मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं रिंग ऑफ सन। रिंग ऑफ सन क्या होती है? अब जब हम अपने हाथ की बात करते हैं पामिस्टे के तीन मेन लाइंस होती हैं। सबसे पहले हम लाइफ लाइन जहां से, फिर हेड लाइन और ये हार्ट लाइन। ये तीन मेन लाइंस हैं, इनको हम प्राइमरी लाइंस कहते हैं। सेकेंडरी लाइंस में सन लाइन या हमारी लक लाइन, ये सेकेंडरी लाइंस हैं। नंबर थ्री माइनर लाइंस में जुपिटर के रिंग या आपके गार्डन ऑफ वीनस। नदर इज योर सैचुरन रिंग एंड योर सन रिंग। ये अक्सर 1-8% लोगों के हाथ में पाई जाती है, जिसका बहुत ही प्रभाव होता है। आपने माइनर लाइंस जरूर देखनी है। जो जातक पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो माइनर लाइंस भी देखें। माइनर लाइंस को देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। रिंग ऑफ सन ये कैसे बनती है? ये हमारे मिडल फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में हमारे सूर्य पर्वत को घेरे हुए रिंग के कार की सेमी सर्कुलर अर्धचंद्राकार एक आकृति होती है। कई बार ये गहरी स्पष्ट होती है और कई बार ये बीच में कटी कुटी हो सकती है। इसका क्या प्रभाव है? आओ हम जानें। ये जी सूरज की जो भी एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर रहा है। सूरज के क्या करैक्टर है? सूरज हमें क्या इंडिकेट करता है? सूरज हमें क्रिएटिविटी, हमारा लॉजिक, हमारा प्राइड, फेम, हमारी वाइटलिटी, ये सब हम सूरज के द्वारा जानते हैं। जब किसी भी जातक के हाथ में जी सूर्य बल्ले, मैं जो आगे भी बता चुका हूँ, जी 1% लोगों के हाथ में सूर्य बल्ले होता है, उनकी सूर्य की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ऐसे जाते बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, लेकिन इनको इनका रिजल्ट नहीं मिलता। जे लोगों की अक्सर सहायता करती रहती है, लेकिन इन्हें प्रोपकार के बदले में, जस के बदले में अब जस मिलता है। इन्हें के जीवन में जस की कमी रहती है। सूरज हमें वाइटलिटी को इंडिकेट करता है। इनकी सेहत भी अक्सर ढीली रहती है, इनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, इन्हें उदर संबंधी रोग बने रहते हैं। इनको लोगों से सहयोग नहीं मिलता, इनको अपने पिता से भी सहयोग नहीं मिलता। इसलिए ये रिंग ऑफ सन कदापि अच्छी नहीं है। ऐसे जातक बचपन में भी इन जातकों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार इनके पिता का बिजनेस है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, पिता से सहयोग नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इतनी कामयाबी नहीं मिलती, अपजस और कई बार कलंक भी इनके ऊपर लग जाता है। लेकिन जिन जातकों के भी रिंग ऑफ सन है वो घबराए नहीं, सन के उपाय करें। इससे 101% जो बैड साइन है मैंने ठीक होते देखे हैं, इसके आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। सन के उपाय क्या है? हमने सुबह जब सूरज उदय होता है सूरज को जल देना है, और सूरज के लिए हमें गुड़ का दान करना है, और हमें तांबे के बर्तन में पानी पीना है। हमें सुबह सूरज जब चढ़ता है तब तेज तेज चलना है, इससे डेफिनेटली हमें ये हमारे जो फिंगर रिंग को सन बनी हुई है जो ठीक होगे। मैंने बहुत ऐसे जातकों के जे रिंग को ठीक होते देखा है,
यदि आप में से किसी के रिंग ऑप्शन है तो आप ये पाए जरूर करें, आपको फायदा होगा। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।